यार की कर रहे हैं भरा। ओ रुक 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 भाई लाइट तोड़ दी यार, ये देखो बता यार भाई इधर साइड में लगा। ओए हेलो, ओए साइड में लगा भाई, साइड में लगा इसको, बाइक को चाबी निकाल ला दी, चाबी निकाल, चाबी निकाल, चाबी निकाल, चाबी निकाल, चाबी निकाल, लगा साइड पे लगा यार। पर है की करता है यार आदा से यार, को आगे दे बैठ जा यार, मैं तन्ना प्यार ना ली गल कर रहे हल्ले, तू की कर के लेगा अगर मैं निकल जांदा दे बड़ा कर के लंदा तेनु पकड़ ले ना, लगाती ना के भाई तो गाइस आज की वीडियो होने वाली बहुत ही इंटरेस्टिंग, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बताने चाहता हूँ एक एप्लीकेशन के बारे में जो कि मेरा ऑनेस्ट ट्रेडिंग ऐप है जिसका नाम है बिनोमो। आज मैं आपको बताता हूँ कि बिनोमो पे ट्रेडिंग कैसे करनी है, आओ हम वीडियो देखते हैं। रियल अकाउंट में 10,408 रुपीज, सबसे पहले हमने एसेट चूज कर लेना है, देन उसके बाद बारी आती है पैसे इन्वेस्ट करने की, हम करेंगे अमाउंट पे क्लिक, देन हमने यहाँ पे क्लिक करा, आज हम करने वाले हैं 7,000 इन्वेस्ट। देन हमें ग्राफ को देख के ये प्रेडिक्ट करना होता है ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे, मुझे लग रहा है ग्राफ आज ऊपर जाएगा, देन मैं करूंगा अप पे क्लिक। अब हम वेट करते हैं कि ग्राफ ऊपर जाता है कि नीचे। फाइनली हमने अर्न कर लिया 12,810 रुपए। देन हमें यहाँ पे ग्राफ का भी ऑप्शन मिल जाता है, जैसे हम नीचे करेंगे ये माउंटेन लाइन कैंडल बार जैसे, और यहाँ से हम ग्राफ चेंज भी कर सकते हैं। तो गाइस लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जो मेरे लिंक से जाएगा उसको मिलेगा $1,000 डेमो अकाउंट में ट्रेडिंग सीखने के लिए। पहले ट्रेडिंग सीख लें उसके बाद आप रियल मनी को इन्वेस्ट करके ट्रेड करें, नहीं तो आपका लॉस भी हो सकता है, मैं ये नहीं चाहता आपका लॉस हो। तो गाइस फटाफट जाइए और बिनोमो को डाउनलोड कीजिए। हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज एचएसबी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सो गाइस फाइनली आज फिर दोबारा हैं अपनी रॉयल इनफील्ड बुलेट पे, और गाइस आज हम जा रहे हैं एक्चुअली रमेश नगर, छोटा मोटा बाइक का काम करवाना है इसलिए। और यार नीचे कमेंट्स बहुत बढ़िया बढ़िया आ रहे थे, इनसे कम नहीं तो 1 वीक बाद निकला हूँ वीडियो बनाने, थोड़ी सी हालत ठीक नहीं थी यार, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है और मैं वैसे भी बॉडी पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे रहा था, मतलब एलिमेंट्स हो गए और भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो उनकी सारी गर्म होती है, प्रोटीन भी गर्म ही होता है यार, बॉडी में भी ना बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई थी, तो इसलिए मैंने यार 3-4 दिन रेस्ट पे ही था, और इसीलिए वीडियो भी यार 1-2 दिन छोड़ के ही आ रही थी, कभी लेट हो जाती थी वीडियो, थोड़ा सा ये सीन चल रहा था। एक्चुअली जो एडिटिंग करता है उसके बाद पास मेरे से होके जाती है वीडियो, जैसे कभी कभी मैं एडिटिंग करता हूँ ऑलमोस्ट वो एडिट करते हैं, तो टीम पहले मुझे दिखाती है वीडियो फाइनल होती है, देन मैं पास कर देता हूँ, ऑलमोस्ट होता है। और पिछले 2-3 हफ्तों से तो मतलब लगा लो कि पास भी नहीं करवा रहे थे, अपनी मर्जी से ही डाल रहे थे वीडियोस वगैरह, वीडियो अपलोड होने के बाद देखता था। एंडेवर काफ़ी अच्छी लग रही है, अलॉय व्हील बहुत सही लग रहे हैं यार, वाइट कलर की ना बड़ी गाड़ियाँ मुझे सारी ऑलमोस्ट ना वाइट कलर में ज़्यादा अच्छी लगी, ब्लैक में भी अच्छी लगती है, जैसे यार फॉरेन कंट्री का कैडिलैक हो गई जो कि मेन, जैसे यहाँ की फॉर्चुनर को रानी माना जाता है ना वैसे ही कैडिलैक हो गई वहाँ की, यूएसए की, कनाडा में बहुत चलती है फैमिली कार जिसको कहते हैं, जैसे इनोवा चलती है ना वहाँ कैडिलैक चलती है, और काफ़ी एक्सपेंसिव है, 1 करोड़ से ज़्यादा ही है। आज पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा भीड़ है, और यार मैं आपको बताऊँ काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे इलेक्ट्रिक स्कूटी के लिए, भैया आप परचेज मत करना, यार सही बताऊँ मैंने परचेज नहीं करनी है ना, वो स्कूटी वहाँ खड़ी थी बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है और मैंने बहुत नाम सुना ओला उबर का, इसलिए मैं उसके ऊपर वीडियो बना रहा था, ये लगा लो। बुलेट को क्या हो गया, स्टार्ट ही नहीं हो रही भाई, इसका सेल्फ का बड़ा चक्कर है, बुलेट स्टार्ट नहीं हो रही थी इतनी भीड़ के अंदर, मेरी बाइक में ना थोड़ी प्रॉब्लम आ रही, कड़कड़ कर रही है इसकी चैन, देख लेता हूँ एक बारी क्या दिक्कत है, आपको साइड में एक बारी लगा के ना इसकी ओवरऑल लुक भी दिखा देते हैं। तो गाइस ये रंधावा साहब भी साथ में है, और यहाँ पे पहले हम जाएंगे एयरटेल के शोरूम में, एक्चुअली मेरी सिम बंद हो गई है, वो चेकअप करवा ले फिर आपसे करते हैं बात, करते हैं बंद कैमरे को। चलो गाइस निकल चुके हैं हम, और यार मेरा एक इंटरनेशनल नंबर था वो भी करवाया हुआ था मैंने, तो उसके लिए भी गया था, बट वो कह रहे कि उसके लिए अभी सर्वर डाउन है, पता नहीं क्या है यार इनके, एयरटेल तो यार बेकार है, मतलब उस हिसाब से फॉरेन में ना मेन आइडिया बहुत सही चलता है, यहाँ ब्रॉड बैंड है वो भी सही चलता है, थोड़ा सा ना ये होता है। चलो यहाँ लगाते हैं बाइक। यार की कर रहे हैं भरा, ओ रुक 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 भाई लाइट तोड़ दी यार, ये देखो पकड़ 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 अनु पकड़ यार पकड़ पकड़ बता यार भाई इधर साइड में लगा। ओए हेलो, ओए साइड में लगा भाई, साइड में लगा इसको बाइक को, चाबी निकाल ला दी, चाबी निकाल, चाबी निकाल, चाबी निकाल, चाबी निकाल, चाबी निकाल, लगा साइड पे लगा भाई, यार बाइक को मार रहा भाई, तू ब्रेक मारी एकदम तो परा भज जाएगा कि तू यार, पर है की करता है यार आदा से यार, की करता है यार
यार परा तू भज रहा है, तू मार के रुकते जा परा मेरे, जल्दी है ते देख ला की करता है यार, नंबर प्लेट भी पूरी छिलती है यार। यार परा मेरे भज, ओ परा मेरे भज के रहे फिर यार, तू भज के रहा, वैसे रोक दिंदा यार। यार परा भज के रहे हैं, कड़ी इन्नी महंगी है, कोई 500,000 रुपए की लाइट थोड़ी है यार, भज रहे हैं तू यार मार के। यार खर्चे की गल नहीं यार, सारी हालत ही खराब हो गई यार, पूरी लाइट हिल गई यार, पूरी लाइट चले गई यार, पूरी बाइक की लाइट गई है। तो यार पैसे की गल नहीं है, तू भज रहा है, हुण तेरे लग जाती फिर असं की करते दस, तेरे लग जाती गड्डी। ए वेख भरा पूरी नंबर प्लेट तू मारी है, पूरी टेढ़ी करती है प्लेट। यार भरा तू पंजाबी भरा है, चक्कर तेन कुछ नहीं कर रहे, मैं तेन प्यार ही गल कर रहा, तू की कर की लेगा, मैं निकल जाता दे भरा, कर की लंदा तेन पकड़ लिया ना, लगाती ना अगे बाइक, कोई गल नहीं, जो हो गया थोड़ी जल्दी हैगी, इस करके मैं रुक गया। यार भरा तू एक तो गलती कर रहा, तो चौड़ा हो रहा है दस भरा, मैं भी सरदार ही, हेलमेट उतारा की, मैं भी भरा पंजाबी भरा ही हाँ, ताई तो भरा इज्जत कर रहे हैं तेरी, मांग ली है भरा, दो भी पैसे भे देना यार, अभी तो ऐसी गल नहीं है, रात हो गई देख यार, पूरी लाइट गई। यार भरा रुक जाता ना यार, कोई दिक्कत नहीं भरा, थोड़ी मैंने जल्दी इस करके मैं रुक नहीं पा रहा। कड़ी जगह किधर जा रहे हैं? मैं जा रहा है खुद सेवा करते हैं रोड दे, गल है कि यार देख भरा भरा पंजाबी भरा तू ना मार के भज रहा, मैं तां करके तेरे अगे कोई बहुत महंगी लाइट नहीं हैगी यार, थोड़ा जिहा आराम नहीं जा यार, बाकी कोई गल नहीं तू हॉस्पिटल जा रहा, आपां पवा लांगे लाइट यार, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, ओके, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, चलो यार। वो देखो स्टैंड भी लगा हुआ भाई का अभी भी, भाई मैं निकला था रमेश नगर जाने के लिए, भाई चौड़ा बनती भाई, देखो बेफालतू में वही बात है ना, खेतरपाल हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तो हॉस्पिटल जा रहा थी मैं, ता नहीं कुछ किया यार, हूँ पंजाबी भरा सीगा की कहना सीगा यार। ये देखो बाइक दिखाता हूँ आपको साइड में लगा के, सही गल है, चश्मा किधर है तेरा, चश्मा भाई, ये देखो लाइट का क्या हाल करा भाई, इंडिकेटर भी टेढ़ा हो गया भाई, पूरी हालत ख़राब हो गई लाइट की, देखो बताओ यार, लाइट मिलती नहीं होती जन भाई, ये मिंडा की लाइट थी, सही बताऊँ तो मिलती नहीं है यार, और कोई बात नहीं है, ये देखो, ये देखिए सारा क्या है, ये भी टेप लगवानी पड़ेगी, ये देख, ये भी गई, ये देखिए स्क्रैच देख कितना बड़ा आया, ये चेक कर, ये देख, और कहीं तो नहीं लगी ना, सीधी करियो बाइक को भाई, ये देखो ये पूरा, ये देखो मैं छोटी छोटी कमियां भी नहीं रहने देता बाइक के अंदर, ये देखिए, ये देखियो पेंट भी कराना पड़ेगा, ये भाई ये देखो नुकसान कर दिया यार वादू का, चल कोई नहीं यार, रैश नहीं यार वो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मेन मुझे ये थी कि भाई भागे ना, भाग रहा था वो, तो गाइस निकल गए हैं यहाँ से, मैं बताऊँ यार एक चक्कर में नहीं मैंने बोला, वो कहता भैया मैं हॉस्पिटल जाना है, मैंने उसके नाम पे कहता यार वहाँ पे ना, वो निकल गया, हाँ नहीं नहीं यार पता है क्या, नहीं नहीं करना चाहिए, वो सही में जल्दी में होगा, नहीं तो कोई सरदार बंदा ऐसे नहीं बोल सकता कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, कभी नहीं बोलता भाई, क्योंकि सरदारों में की इतनी होती है भाई, बस ना मैं ये बात बताता हूँ कि उन्होंने बोला ना, तो मैंने कहा चलो यार जाने दो, कोई लाइट इतनी महंगी नहीं है भाई, कोई बात नहीं भाई, कोई चक्कर नहीं भाई, हम रमेश उसका भी बचाव हो गया, पर नंबर प्लेट उसकी मुड़ी थी भाई, जेड ब्लैक क्रीटा कितनी बढ़िया लग रही है, अरे पीछे वाला ही जेड है सिर्फ, एग्जॉस्ट लगा हुआ शायद मुझे लग रहा है भाई, हमने जाना रमेश नगर, यहीं पे बुलेट वाले पाजी जहाँ से ना ऑलमोस्ट सारा बुलेट का काम करवाता हूँ, कंपनी से नहीं करवाता यार बुलेट का काम, क्योंकि ना बताऊँ कि इसके अंदर कुछ होता ही नहीं खास, बाकी ना इसकी सर्विस होने वाली है, यहाँ से लेते हैं राइट, लाइट भी डलवा लेंगे यार, तो भाई एक बार अब देख लेंगे, मैं एक्चुअली किस लिए आया था मैं वो बता देता हूँ आपको, इसकी ना पिछली वाली जो चैन है ना वो गड़बड़ कर रही थी, अब ना मुझे लग रहा है भाई मेरे साथ रात को क्या सीन हुआ है, मैंने शेयर नहीं करना था, रात को भाई किसी ने बुलेट का हॉर्न उतार के ले गया, ये देखो एक ही लगा हुआ है, दूसरा नहीं लगा हुआ है, देखो
बुलेट का हॉर्न उतार के ले गया और उसने ना भाई टायर भी खोलने की कोशिश करी है। यार क्या बोलूँ अब मैं, चलो कोई नहीं, मैं नेगेटिव चीज़ें नहीं शेयर करता यार आपके साथ, पर चलो जो हो गया सो हो गया। अभी शुक्र है रूट्स नहीं लगे हुए थे, एक हॉर्न उतारा उसने, दूसरा उससे उतरा नहीं भाई, दुकान ही बंद है आज। लो भाई अरे बाहर क्या है भाई, सैटरडे आज भाई, देखो शॉप ही बंद है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार साइड में लगा के बाइक को, ये चेक करो भाई, हॉर्न इसका उतार के ले गया कोई, एक लगा हुआ है और एक उतारा हुआ है। और भाई मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया क्योंकि मैं बुलेट बहुत कम चलाता हूँ, वैसे ऑलमोस्ट मैं क्या कहता हूँ जिम वगैरह ले जाता हूँ बुलेट को। जब हॉर्न मारा मुझे फिर भी नहीं पता लगा, रंधावा साहब ने पकड़ी ये चीज़, कहता भाई हॉर्न नहीं बज रहा। मैंने कहा चल तार वार निकली हुई, क्योंकि ना पहले भी ना इसकी एक दो बारी तार निकल गई थी, मैं कहा चल कोई नहीं तो हॉर्न नहीं लगा हुआ था इसके अंदर, ये सीन हुआ। चलो भाई मैं आया तो रमेश नगर था, और यार टी शर्ट में आया था, शर्ट भी नहीं पहनी हुई, मैं कहा चलो घर के पास ही जाना है तो मैं इसलिए आया नहीं, बाकी यार लाइट टूट गई खाम खा। चलो कोई नहीं यार, पर यार मैं आपको बताता हूँ मैं लाइट शोरूम से ही लूँगा, मिंडा की जो आती है इसकी टूटती नहीं है वो यार उसने ना बाइक बहुत तेज़ मारी है यार, तभी टूटी नहीं तो टूटती नहीं है मिंडा की लाइट। और भाई ये तीसरी या चौथी लगवा चुका हूँ मैं लाइट। चलो गाइस इस वीडियो को ना यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय लव।